नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना और मिजोरम में सीएम ने शपथ ले ली, लेकिन हिंदी पट्टी के तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी तक शपथ नहीं हो पाया। तीनों में बीजेपी जीती है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से वो पीढ़ीगत बदलाव करे, यानी कि तीनों जगहों पर जो पुरानी पीढ़ी चली आ रही थी वहां पर नया फेस दे। इसी क्रम में भोपाल में आज बीजेपी विधायकों की एक बैठक हो रही है। सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी और वहां पर भेजे जा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दो अन्य पर्यवेक्षक जो आकर के रिपोर्ट देंगे, फिर जो है हाईकमान करेगा फैसला। इसके अलावा राजस्थान में जा रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहाँ की परिस्थिति बताएंगे, विधायकों से बात करेंगे। और उधर जो है अर्जुन मुंडा जाएंगे छत्तीसगढ़, उनके साथ दो और हेमंत विश्व शर्मा और भी लोग होंगे, सर्बानंद सोनवाल वगैरह, फिर जाकर के फैसला होगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि जैसे ही राजस्थान का रिजल्ट आया, बालकनाथ का नाम बहुत तेजी से चला और उनको दूसरा योगी कहा जाने लगा, बुलडोजर तक की मांग उठने लगी। इसको लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन, उन्होंने भी संसद में हल्के फुल्के अंदाज में उनसे कहा था, जिसका उन्होंने क्लियर कट कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब बालकनाथ का जवाब आ गया है। वो कह रहे हैं, कभी तो मैं पहली बार सांसद बना हूँ, विधायक बना हूँ, प्रधानमंत्री और पार्टी के नेतृत्व में जीता हूँ, मुझे बहुत कुछ अनुभव हासिल करना है, इसलिए सोशल मीडिया और मीडिया में जो भी खबरें चल रही है उसको दरकिनार कीजिए, उसकी उपेक्षा कीजिए। इसका मतलब साफ है कि बालकनाथ को इशारा मिल गया है कि रेस में दिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, यानी कि बालकनाथ ने अपने को राजस्थान की सीएम रेस से बाहर कर लिया है। वसुंधरा राजे की बात करें तो वो केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुकी हैं और अभी भी लॉबिंग कर रही हैं, उनके ऊपर और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के ऊपर आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने बंधक बनाया विधायकों को। अब वो तो आरोप है, तो वसुंधरा राजे अभी भी कतार में है, लेकिन गुंजाइश बहुत कम लग रही है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के। वो जो है चुनाव जीतने के बाद दिल्ली नहीं आए, वो गए वहाँ छिंदवाड़ा, वो गए भोपाल। और छिंदवाड़ा वो जगह है जो कमलनाथ का गढ़ है, वहाँ की सात सीटें बीजेपी हार गई है और प्रहलाद पटेल वहाँ के प्रभारी थे, लिहाजा वहाँ से उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा की 29 सीटें जीतने के लिए यहाँ आया हूँ और ये 29 हर हाल में मुझे चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि आज सुबह सुबह सभी को राम राम कह करके एक पोस्ट किया, इसके बाद अटकलें तेज हो गई। बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि देखिए अपने संस्कृति में सबको राम राम सुबह के वक्त किया जाता है, इसका दूसरा अर्थ आप लोग क्यों लगा रहे हैं। इसका अर्थ ये लगाया जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका इशारा समझ गए हैं और उन्होंने सीएम की रेस से अपने को बाहर कर लिया है। जो राम राम उन्होंने किया है अचानक, इसका मतलब कि वो विदाई ले रहे हैं। राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है, निश्चित रूप से इसका अपना अर्थ है। ये बात अलग है कि जब तक नाम का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता है तब तक बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, वह यही संदेश देने की कोशिश करेगी कि इसका कोई मतलब नहीं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी ढेरों नाम है। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी उम्र हो चली है, उनके ऊपर जब वो मुख्यमंत्री थे तब आरोप भी लगे थे, लिहाजा वहाँ पर भी पार्टी नेतृत्व नया चेहरा चाहता है। उसमें आदिवासी हो सकता है, एक आदिवासी महिला रेणु सिंह का नाम आ रहा है, और भी आदिवासी नेता हैं, पिछड़ों का नाम आ रहा है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि ये जो जीत मिली है उसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यदि उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में नहीं आती। यूं तो जो भी एग्जिट पोल आए थे उसमें किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आ सकती है, लेकिन बीजेपी आई। तो ये माना जा रहा है कि युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों ने साथ दिया, लिहाजा छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की संभावनाएं बढ़ गई है। अगले 1 से 2 दिन यानी कि संडे और मंडे तक इन तीनों राज्यों में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इन दोनों नेताओं ने जो पोस्ट किए हैं उसका मतलब साफ है कि उन्होंने सीएम रेस से अपने को बाहर कर लिया है और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर सख्त है कि कौन लॉबिंग कर रहा है, कौन पार्टी नेतृत्व के इशारे को नहीं समझ रहा है। अब इस पे जो कुछ भी आगे होगा हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।